हेलो एवरीवन वन गुड मॉर्निंग नमस्कार तेईस जून दो हज़ार बाईस और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा परिवर्तन आई एस और ब्रैकेट में न्यू टाइप करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यानी आपको जब टेलीग्राम ओपन करेंगे दो चैनल मिलेंगे एक परिवर्तन आई ए एस अकेडमी एक परिवर्तन आई एस अकेडमी न्यू आपको न्यू वाला ज्वाइन करना वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र में जो शिवसेना के बहुत सारे एम हैं जिनको एक शिंदे जो मिनिस्टर भी हैं सीनियर मोस्ट लीडर भी हैं शिवसेना के अंदर वो उन्होंने बहुत सारे एम को लेकर वो पहले सूरत के अंदर गए बाद में गुवाहाटी के अंदर चले गए हैं और इन सब के बीच में महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए एक तरीके से देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है अगर मान लेते हैं कि मेम्बरशिप समाप्त हो जाती है तब भी प्रॉब्लम है अगर ये एक तरीके से मेम्बर होते हैं तब भी दिक्कत है लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे शरीर में उन सबको ऑब्जर्व करेंगे पॉलिटिकल न्यूज़ के अलावा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कितनी इम्पोर्टेंट है ये पूरे की पूरी चीज़ें खैर इसमें एक महाराष्ट्र के सीएम उन्होंने एक इमोशनल सा मैसेज भेजा कि आप आइए बात करिए अगर आप चाहते हैं मैं रिज़ाइन कर तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा ये सारी चीज़ें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या होता है देखो जब भी किसी पार्टी में स्प्लिट होता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं कि भाई हमें तो एक तरीके से इनको बाहर निकालिए इनको बाहर निकालिए तब क्या होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनके सिम्बल को लेकर राइट और आ, क्या एंटी डिफेक्शन लगेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द एम इनके साथ है तो एंटी डिफेक्शन तो ये काउंटरली जो है वो दूसरे पार्ट पर लगा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आने वाले टाइम में और आने वाले टाइम में इवन आ, सिंबल को लेकर भी फाइट हो सकती है कि एक्चुअल सैनिक कौन है ना जैसे समाजवादी पार्टी को लेकर स्प्लिट हुआ था इससे पहले आपने आ, जो रामविलास पासवान साहब की पार्टी उसमें एक तरीके से इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है जब भी इस तरह की चीज़ें होती है तो या तो कुछ टाइम के लिए सिंबल को एक तरीके से फ्रीज़ कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है तो एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन है इसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन है अभी रिसेंट में हुआ कि अफगानिस्तान में बहुत हैवी अर्थ देखने को मिला और वन के आसपास लोगों की वहाँ पर डेथ होगी है सबसे पहले ये जो वर्ड यूज़ किया गया कि अर्थक्वेक या भूकंप इस वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है क्या डेफिनेशन होती है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो मैं एन की जो चार लाइन्स है वो पढ़ के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली जब हम सिस्मिक वे की स्टडी करते हैं तो ये लेड इंटीरियर जो एक तरीके से हमारे ज़मीन के अंदर जो एक्टिविटी होती है और एक सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि ज़मीन का हिलना ही एक तरीके से अर्थक्वेक है और एक नेचुरल इवेंट इंडिकेट किया जाता है जब बहुत सारी एनर्जी रिलीज की जाती है आ, तो सभी डायरेक्शन के अंदर वहाँ पर एक तरीके से अर्थक्वेक क्रिएट होता है और अफग़ानिस्तान में बहुत हैवी एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिला डैमेज देखने को मिला हालाँकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़े लेवल पर कॉजुलिटीज़ की यहाँ पर आप देखेंगे और आ, मैंने कई बार एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि सरकार बनाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है अब दिक्कत क्या है मान लेते हैं ये रेस्क्यू करते हैं हॉस्पिटल्स uh, में प्रॉब्लम है प्रॉपर मेडिसिन नहीं है डॉक्टर uh, इन्होंने एक तरीके से डॉक्टर्स के एक तरी के ऊपर काम नहीं किया लोग वहाँ से छोड़कर चले गए इसके अलावा भी uh, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है रेस्क्यू करने को लेकर तो कई सारी प्रॉब्लम जो है अफगानिस्तान फेस कर रहा है और इस अफगानिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप की फ़ाइट में जो सफ़र कर रहे हैं वहाँ के सामान्य नागरिक और इसी को लेकर यहाँ पर डिस्कसन किया, uh, किया जा रहा है इसके अलावा यहाँ के जो ऑफिशियल है जैसे uh, इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल है सलाउद्दीन अयबीना ने कहा कि डेथ टोल जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू करने की आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे हो सकता है कि ये और ज़्यादा कॉजुलिटीज़ हो इसके अलावा इसका जो माना जाता है कि अराउंड वन वन नाइन एक सौ उन्नीस मिलियन लोगों पर इसका इम्पेक्ट किया फील किया जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत में भी हल्का झटके देखने को मिले और यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्टमोलॉजिकल सेंटर ने ट्वीट किया कि भाई अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो अप्रॉक्सिमेटली सिक्स पॉइंट वन है और यू एस जी सी के अकॉर्डिंग फाइव पॉइंट नाइन है यानी बहुत लार्ज स्केल पर ये मैग्नीट्यूड नहीं है यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर बड़े स्केल पर या एक तरीके से बहुत ख़तरनाक लेवल का जो अर्थक्वेक होता तो वो और ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता था ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा नंबर है इसके ठीक नीचे एक फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेगी और ये फोटोग्राफ बेसिकली जो एनुअल रथ यात्रा होती है उसको लेकर उनकी तैयारी को लेकर है लेकिन एक सवाल आप लोगों से है जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो इंडिया में जो टेम्प टेम्पल की आर्किटेक्चर है वो बेसिकली तीन इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर स्किल्स के अंदर या स्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलती है नागर आ, बेसर और द्राविड़ राइट तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी के अंदर है उसी के बारे में मैंशन किया गया सवाल आप लोगों से ये है कि क्या जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी के अंदर है क्या वो नागर या द्राविड़ या वेसर इन आर्किटेक्चर शैली में से आता है या इसकी कुछ अलग से स्क्रिप्ट है इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है आपको नीचे कमेंट करना है कि इस टेम्पल को कंस्ट्रक्शन जो है वो किस आ, किंग ने किया था और वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये आप नीचे कमेंट करेंगे ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर को लेकर सवाल पहले भी और मे बी इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिलेंगे इसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब की एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन हुआ ब्रिक्स की एक तरीके से बिज़नेस फॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर की जो इकनॉमी है खासकर डिजिटल इकनॉमी ये भारत के अंदर स्कोप है और जिस तरीके से भारत में चेंज हो रहे जिस तरीके से दुनिया देख रहे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया कि देश के अंदर हंड्रेड यूनिकॉर्न जो है सेवेंटी थाउजेंड स्टार्टअप्स में से देखने को मिले यूनिकॉर्न वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं इसका मतलब होता है यूनिकॉर्न का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में कि एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा अगर कोई एक तरीके से कंपनी खड़ी कर लेता है या न्यू स्टार्टअप होता है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न राइट भारत में अभी, आ, सोनी, भी सोनी एक सौ भी यूनिकॉर्न बन चुका है जो कि फिजिक्स वाला अलग फानेडे सर जो है वो उसके ऑनर है उनका उनकी कंपनी को मिला है वन वन यूनिकॉर्न uh, राइट right? इसके अलावा ये नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है और जिस तरीके से भारत में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हो रहे हैं हर एक प्लेस में हर एक सेक्टर में और ये इंडिकेशन करता है कि ये एमरजिंग न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी को लेकर बताया गया कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर का इनके पास पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा अलग अलग एरियाज़ के अंदर इसके अलावा चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग क्योंकि चाइना इस बार ब्रिक्स समिट को एक तरीके से लीड कर रहा है ब्रिक्स समिट जो को होस्ट कर रहा है वर्चुअल समिट हो रही है आ, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करे कि ब्लॉक कन्फ्रेंट्रेशन जैसे आ, नाटो को हो या फिर अगर आप देखेंगे क्वाड को लेकर भी ब्लॉक कन्फ्रेंट्रेशन इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करता है इसके अलावा इंडिया के बारे में ये मैंसन किया गया कि वन ट्रिलियन डॉलर तो अगर हम बात करें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू और वन ट्रिलियन डॉलर जो है इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी ओवरऑल टू पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का पोटेंशियल इंडिया इंडिया के अंदर है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस के थ्रू इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है खासकर नए एरियाज़ के अंदर जैसे आए, स्पेस है या ब्लू इकोनॉमी है ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी ड्रोन्स और जियोस्पेटियल डेटा ब्लू इकोनॉमी का मतलब है ओशियन और ओशियन रिलेटेड जितने भी मिनरल्स हैं वहाँ से जब हम इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी इनको लेकर आपने आपको ध्यान होगा रेशन में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज़ की विजिट पर गए थे और इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज़ की जब सबमिट हुई थी सेकेंड वाली इसके अलावा डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कंसल्टेशन किया था तो ये एरिया फोकस एरिया के अंदर उस टाइम पर था ड्रोन्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रोन्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने काफ़ी चीज़ें चेंज करी है और जियोस्पेशियल डेटा को लेकर भी काफ़ी चीज़ें आपको स्पेस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकती है राइट right, ब्रिक्स का अगर हम बात करें तो पांच कंट्री का एक ग्रुप है जैसा कि पहले ही बताया था ब्राज़ील रशिया इंडिया एंड चाइना ठीक है और इस बार इसको होस्ट कर रहा है चाइना इससे पहले हमने इंडिया ने होस्ट किया था और जो नेक्स्ट समिट होगी वो होगी साउथ अफ्रीका के अंदर अगर कोविड नाइन्टीन को लेकर चाइना की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये इन पर्सन या फिजिकल समिट जो है वो हो सकती है इसके अलावा एक और छोटी सी न्यूज़ आई है कि अंडमान और निकोबार एरिया के अंदर आइलैंड के अंदर जो है वो फोर न्यू कोरल जो है रिकॉर्ड करे गए हैं कोरल बेसिकली होते क्या है और 2022 में एक सवाल आया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे तो कोरल रीफ बेसिकली क्या होता है एक डाइवर्स इकोसिस्टम है वर्ल्ड के अंदर जो कोरल पोलिप्स ठीक है मूंगा जिसको मूंगा बोलते हैं और इसके थ्रू बनती है फिर रीफ़ यानी इसको और बोलते हैं मूंगे वाली चट्टान और जिसमें बहुत सारी ये अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है इसमें बहुत सारी जो स्पीशीज होती है वो रहती है और दुनिया की ट्वेंटी फाइव ओशियन फिश जो है डिपेंड करती है हेल्थी कोरल रीप्स के ऊपर ये माना जाता है कि काफ़ी सेंसिटिव होती है कोरल रीफ्स अगर हल्का सा भी टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, तो वो एक तरीके से वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देती है कोरल ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ए, ए, एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी और एक सवाल यू ने दो में पूछा था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी था बायो रोग टेक्नोलॉजी के बारे में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में और एक तरीके से आप बोल सकते हैं इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंबिनेशन था तो इन्होंने बोला कि भाई ये किससे रिलेटेड है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है कि रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ यानी कोरल रीफ जो डैमेज हो जाती है उसको रिस्टोर करने के लिए बायो रॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में आप यहाँ से देख सकते हैं जैव सेल प्रौद्योगिकी की यानी बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है क्षतिग्रस्त प्रवाल भितियों कोरल रीफ्स की बहाली यानी फिर से उसको रिस्टोर करना इसके बाद बात करेंगे पेज नंबर फ़ाइव पे और पेज नंबर फाइव पे एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडावर्सिटी के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है केबल लामजाओ नेशनल पार्क और इसको लेकर यूपीएससी ने आई थिंक 2015 या 16 में एक सवाल पूछा था फूमडीज़ को लेकर क्योंकि ये जिसको बोलते हैं ना फ्लोटिंग पार्क है भारत के अंदर केबल केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इसको लेकर जब सवाल हुआ था इसमें बेसिकली अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकाटक लेक आपने ज़रूर सुनी होगी जो फ्रेश वाटर की लेक है इसके अलावा यहाँ पर एंटीलर डी एडियन संघाई जो है वो आपको देखने को मिलती है इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे लोग कि यहाँ पर एक हेरिटेज पार्क सरकार जो है प्रपोज कर रही है कि भाई हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे और एक म्यूजियम बनाएंगे इसको लेकर यूथ प्रोटेस्ट करें कि पहले से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं एक तो Uh, क्या इससे हम लोग अपनी संगाई को जो लोग आसपास के गांव कोशिश कर रहे हैं किसको प्रोटेक्ट करने को वो इस तरह की चीज़ें होंगी संगाई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते तब इनका मतलब क्या रहेगा और ऑलरेडी ये जो एरिया है पोचर्स के मामले में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है सरकार फेल रही है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर फिशिंग करते हैं आ, वो भी ये बोलते हैं कि भाई फ़िशिंग जो है उनकी अल्टरनेट सोर्स इनकम का लेकिन कई बार क्या होता है इसी फिशिंग के आड़ में जिसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में इस जो एक तरीके से एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इसका वो शिकार करते हैं और एक तरीके से उसको डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम को कहीं कही ना कहीं चैलेंज करने का काम करते हैं इसके बाद पेज नंबर एट पे जो है एक टॉपिक डिस्कस किया गया अंडरस्टैंडिंग बर्ड स्ट्राइक्स एंड एविएशन सेफ्टी करके तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में क्योंकि डिटेल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है सबसे पहले बताया गया कि वहन आर एयरक्राफ्ट मोर प्रोन टू तो बर्ड्स टैग यानी ऑब्जर्व किया गया एक तरीके से स्टडी करी गई है डेटा के थ्रू इस तरीके से बताया गया लेकिन यहाँ पर हम मेन मेन इसकी पॉइंट जो है या क्रक्स इसका पढ़ेंगे जिस्ट क्या है अगर आपने रेशन में देखा होगा बहुत सारे बैक टू बैक बर्ड स्टैग इंसिडेंट हुए हैं और उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविलेशन ने एक तरीके से डायरेक्शन दिया है सभी एयरपोर्ट्स को कि सारे एयरपोर्ट रिव्यू अपने रिव्यू करें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ हिजट मैनेजमेंट प्लांट्स को विद इन एंड आउटसाइड द एयरफील्ड इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटीन वेरीफाइड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिविलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बर्ड्स टैग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंडिकेट करता है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड जो है वो uh, नियर एयरपोर्ट जो है टेक ऑफ के टाइम पे या अप्रोच फेजिज़ के अंदर फ्लाइट में हिट करते हैं सलीम अली सेंटर फॉर रिंथोलॉजी एंड और नेचुरल हिस्ट्री ने एक तरीके स्टेटमेंट दी कि हेयर एजेंट्स को लेकर भारत के अंदर ट्वेल्व एयरपोर्ट्स हैं और हर एयरपोर्ट की अपनी एक यूनिक इकोलॉजिकल सेटिंग है इसके लिए सोल्यूशन भी डिफरेंट रहता है तो टी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए जैसे स्पाइस की बोइंग सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड फ्लाइट थी पटना दिल्ली इसी तरीके से एक फ़्लाइट और थी जो अगर आप देखेंगे गुवाहाटी दिल्ली इनमें कहीं ना कहीं बर्ड ने करें, एक तरीके से उस हिट किया और उसके बाद फ्लाइट को एक तरीके से एमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी हालांकि सौभाग्य से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन आ, ये कहने के सीरियस कंसर्न है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविलेशन ने कहा कि भाई प्रॉपरली रिव्यू करिए विद इन और आउटसाइड एयरफील्ड के अंदर और इसके अलावा क्योंकि मॉनसून सीजन है तो आ, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आ, आप करिए जैसे ग्रास ट्रेमिंग रनवे इंस्पेक्शन हो गारबेज डिस्पोजल हो आ, इसके अलावा इंश्योर करिए कि वाटर ड्रेनेज हो यानी कई बार पानी स्टोर हो जाता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इन सब को लेकर इंश्योर करिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिविल एवेशन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को जो है वो प्रायोरिटी के अंदर रखा जाए क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसने जिसमें कोविड नाइन्टीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस किया गया है वो है तृणमूल कांग्रेस राइट मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ एक सवाल आप लोगों से है सेकंड क्वेश्चन भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग फेजिज़ के अंदर डिस्कस किया जा सकता है चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी दूसरी होती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और तीसरी होती है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो एक तरीके से नेशनल स्टेट नहीं है फोर्थ होती है कि जो नॉन रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी होती है आपको नीचे कमेंट करना है कि भारत के अंदर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस हासिल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को कंप्लीट करना पड़ता है ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन इसके बाद बात करेंगे पेज नंबर ट्वेल्व पर देश के कई सारे हिस्सों के अंदर जिसमें हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न चाहे असम हो या फिर मेघालय हो या दूसरे जो स्टेट है वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में जो पहलगाम वाला जो रीजन है वहाँ पर भी फ्लड की सिचुएशन देखने को मिल रही है उसी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी ऐसी रिवर है जो इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है रीशन में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी तो थोड़ा सा जोग्रफ़िकल इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ को लेकर आपसे डिस्कशन करना है कई बार यूपीएससी डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेती इस तरह के इंडस को लेकर तो इंडस वाटर इंडस रिवर जो है बेसिकली ओरिजिनेट होती है चाइना से और ये यहाँ पर आप देखें लद्दाख और ईस्ट वाले एरिया से होकर पाकिस्तान जाती है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज ठीक है तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी इंडस वाटर ट्रीटी क्या है 1960 में वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस में भारत और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया चिनाब झेलम इंडस जाती वेस्टर्न रिवर सतलज ब्यास आ, रावी जो ये इन एक तरीके से आती ईस्टर्न रिवर में हालांकि इसमें आ, राइट दिया गया पाकिस्तान के अंदर रहेंगी या ये इंडिया के अंदर रहेंगी लेकिन भारत के अंदर भी लिमिटेड स्टोरेज हो सकता है डोमेस्टिक और नॉन कंजप्शन यूज हो कंजप्टिव यूज़ हो सकता है इसके अलावा रन ऑफ रिवर पावर प्लांट लगाए जा सकते इरीगेशन लगाए जा सकते बहुत सारे एरिया को लेकर या बहुत सारे रिवर को लेकर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता है जब हम कोई ऐसा प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं जैसे किशन गंगा नीलम इस तरह की रिवर के अंदर तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहती है इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कसन आपको देखने को मिलेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आप इस फोटोग्राफ में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है पिछले पाँच सात सालों में दस सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी कंसल्टेशन जारी है यू के साथ हमारा कंक्लूड हो चुका है आ, इसके अलावा गल्प कॉपरेशन काउंसिल हो ब्राज़ील हो साउथ अफ्रीका हो या फिर कनाडा हो या यू उनके साथ हमारा कंसल्टेशन जो चल रहा है इवन इसराइल राइट तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि 2020 में इंडिया और चाइना में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी जो ईस्टर्न लद्दाख वाला जो पार्ट है वहाँ पर जो दोनों कंट्री एक दूसरे के सामने आई जिसमें भारत के बीस जवान जो उसमें शहीद हो गए थे फेस ऑफ हुआ क्लैश हुआ तो उसी को लेकर बताया गया कि चाइना को लेकर हम लोग इस चीज़ को लेकर एग्री हैं कि चाइना के साथ जो चीज़ें चल रही है या डिस्प्यूट है उसको एक डायलॉग या के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए लेकिन ये भी इंश्योर करें कि हम लोग एक रेजिलेंस सप्लाई चेन या कैपेबिलिटीज़ को डेवलपमेंट करें ताकि ओवरऑल जो है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इंडिया और चाइना रिलेशन हो सॉरी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग हो और हमें इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इंडिया के लिए चाइना बहुत ही क्रिटिकल नेबर है और इस परस्पेक्टिव जिस तरीके से चाइना मैसिव मिलिट्री बिल्टअप कर रहा है ये एक तरीके से साइनिंग वार्नअप एक तरीके से वार्निंग है ये वार्निंग का साइन है इसके अलावा इंडिया को लेकर इन्होंने जब रशिया के बारे में या यूरोप में रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चला उसके बारे में बताया गया कि इंडिया जो ऑयल परचेज़ कर रहा है उसको लेकर हम कोई लेक्चर नहीं दे सकते हर कंट्री अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेती है इन सब के बीच में दो में अक्टूबर में इंडिया पैसिफिक एंडीवर एक्सरसाइज होने वाली है उसके अंदर भी इंडिया पार्टिसिपेशन करेगा ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज होने वाली है और मालाबार एक्सरसाइज़ हो क्वाड ग्रुप हो या फिर ओवरऑल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है ख़ासकर एक तो इनके जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको लेकर काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है पॉपुलर भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का एक सोर्स है और उसकी वजह से एक जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ है इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो जी सेवन ग्रुप की मीटिंग में जर्मनी जाएंगे और हालांकि हम लोग जी सेवन ग्रुप के मेंबर नहीं है लेकिन एज ए स्पेशल इनवाइटी हम लोग जी सेवन की मीटिंग के अंदर जा रहे हैं जर्मनी के अंदर इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कन्फर्म किया गया जी सेवन में कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यू और यू आता है और यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेशन करेगा इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि इसमें डेफिनेटली बात है रशिया और यूक्रेन को लेकर डिस्कशन किया जाएगा रशिया पर और ज़्यादा सेंक्शन लगाने की बात की जाएगी ये कंट्री क्या चाहती है कि भाई इंडिया रशिया से तेल ना ख़रीदे रुपये रोबल में मैकेजियम में ट्रेड ना करें इसके अलावा व्हीट एक्सपोर्ट पर जो बैन भारत ने लगाया उसको लिफ्ट कर दे हालांकि ये सारी रिक्वेस्ट जो है भारत ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी है इनके अलावा एनवायरमेंट, एनर्जी क्लाइमेट फूड सिक्योरिटी हेल्थ जेंडर इक्वलिटी और डेमोक्रेसी को लेकर भी वेरियस डिस्कशन हो सकते हैं रास्ते में यू के अंदर जाएंगे अबू धाबी में और वहाँ पर क्योंकि यू के जो प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान इनकी डेथ होने के बाद जो अब नए रूलर है प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इनसे बातचीत करेंगे जी सेवन में एज ए स्पेशल इनवाइटी कई सारी कंट्री को इनवाइट किया गया जिसमें अर्जेंटीना इंडोनेशिया सेनेगल और साउथ अफ्रीका है और इसमें आ, इस एक्सपेक्टेशन है कि जून 27 को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो से भी बातचीत करेंगे जो इंडोनेशिया न्यूज़ में है रिसेंट में क्योंकि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज करी और कैपिटल चेंज करने का रीज़न है कि वहाँ पर एक तरीके से डिजास्टर्स रीजन्स की वजह से फ्लड आना हो या फिर बहुत ज़्यादा हैवी पॉपुलेटेड पुप्ले, सिटी हो चुका हो उसकी वजह से इसके अलावा ब्रिक्स समिट को लेकर साउथ अफ्रीका के जो प्रेजिडेंट सीरल राम फोसा इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि अभी ब्रिक्स समिट जो चल रही वो वर्चुअल समिट होगी इन सब के बीच में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है लेकिन लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन हमने ऑब्जर्व करना आपने अपनी एटलस के अंदर खोलना है और मैप खोलना उसके बाद आप सेनेगल को ऑब्जर्व करेंगे सेनेगल बेसिकली आ, अफ्रीकन कंट्री है आपको ऑब्जर्व करना कि सेनेगल कहाँ पर लाई करता है और सेनेगल की कैपिटल सिटी क्या है और सेनेगल के नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है वो आप नीचे कमेंट करेंगे इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इंडिया रशिया शुड हैव डायरेक्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट है एक जिसको बोलते हैं ना ये एक तरीके से एक मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक आते हैं रशिया में ओलेग डेपरिशाका इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया गया है लेकिन मैं मेन मेन पॉइंट्स पर इनके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बात उन पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर बताया गया कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उन सब के बीच में रशिया को एक तरीके से फोकस करना चाहिए कि इंडिया चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ अपना डेवलपमेंट जो है ट्रेड डेवलपमेंट पर और ज़्यादा फोकस करें अभी ट्वेंटी फिफ्थ सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम जो है वो चल रही है और जिसको रशियन दावोस भी बोला जाता है राइट इसके अंदर वेरियस एरियाज़ के अंदर डिस्कसन किया जाता है इनके अलावा यहाँ पर बताया गया कि रशिया को जैसे 1991-2003 के थ्री के अंदर जो तरीके से हमने डिस्कसन किया या इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया उसी तरीके से आज भी करने की रिक्वायरमेंट जैसे लॉजिस्टिक रूट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो कस्टम प्रोसीजर हो ट्रेड एग्रीमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सेटलमेंट हो कैपिटल मार्केट हो या फिर ऐसा इकोसिस्टम जो ट्रेड फाइनेंस को जो है प्रमोट करे इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी हमें फोकस करने की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया कि हमें न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो फोर्स वाया तुर्की ये ये जो एरिया है बॉसपोर्स ये तुर्की के अंदर आता बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटिकली इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट में जो वेस्टर्न एशियन कंट्री ये आएंगी कैस्पियन सी ईरान इरा, इंडिया से कनेक्ट होते हुए ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करके एक ट्रेड रूट हम लोग डेवलप कर सकते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर भी अलग अलग एरियाज़ के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं पहले ये मानते हैं डब्ल्यू के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं लेकिन एक्चुअल में डब्ल्यू वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है इन्होंने कहा कि एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है जिसमें डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी जैसी नए मेकनिज़म को फॉलो किया जा सकता है इनके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन का यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देखो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्री आती है ये टोटल कंट्री आएंगी रशिया आर्मेनिया बेलारूस कजाकिस्तान और किर्गिस्तान 2022 में टर्की को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सवाल हुआ था मे भी इस तरह के सवाल भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले इंडिया और रशिया के बीच में जो बायोलिट्रल ट्रेड है वो 13 बिलियन डॉलर का है 2021 में और इस ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा आपको डिफेंस में देखने को मिलेगा इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और भारत की कमिटमेंट है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को जनरेट करें इसके अलावा हम लोग न्यूक्लियर फील्ड के अंदर या ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी को लेकर जो फोकस कर रहे हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उस रॉ मटेरियल को कहीं कही ना कहीं रशिया कंप्लीट करने को लेकर रशिया उस गैप को फिल कर सकता है तो अगर आप आने वाले टाइम में रशिया और इंडिया के बीच में रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हैं तो ये दोनों को हेल्प करेगा इंडिया को भी और रशिया को भी राइट इसके ठीक नीचे आ, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो क्लैप्स कर रही है और ऑलमोस्ट क्लैप्स की तरफ बढ़ रही है क्योंकि हम लोग आ, बेसिक से बेसिक चीज़ें परचेज करने के लिए कहीं कही ना कहीं उसको नहीं कर पा रहे जैसे हम लोग तेल खरीदने की कैटेगरी में नहीं है हम क्योंकि कोई कंट्री हमें ऑयल एक तरीके से या ऑयल को लेकर लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो कंपनीज़ है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि डेट के अंदर है और बड़ी बड़ा कर्जा इन्होंने ले रखा जैसे सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है 700 मिलियन डॉलर के कर्जे में है तो कोई भी कंट्री इनको एक तरीके से लोन देने की सिचुएशन में नहीं है और श्रीलंका इस टाइम पे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है दुनिया का फेस कर रहा है लेबनान के बारे में मैंने कई बार डिस्कशन किया था लेबिनान के अंदर भी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है आ, इसके अलावा पाकिस्तान ने आई से एक डील करी है सिक्स मिलियन डॉलर की हालांकि दो की डील है ये रिस्टॉल रिस्टोर करी गई है ये चाहते थे कि सिक्स बिलियन डॉलर दें और इसके बदले में क्या करना पड़ता है मैंने कई बार ये डिस्कस भी किया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जब भी कोई लोन प्रोवाइड करता है तो इनका लोन होता है कंडीशनल जैसे नाइनटीन नाइन्टी में भारत में फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी कम हो गया था तब हमने आई से जब एक तरीके से कंडीशन को फॉलो किया उनकी कंडीशन को मानना पड़ा हमें और इसीलिए बताया गया कि यहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल है 2022-23 के बजट में इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई गई और एकदम से इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 50 पर लीटर तेल बढ़ रहा है आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि बीस बाईस रुपये के आसपास तेल यहाँ पर बढ़ रहा है इंडियन करेंसी में लेकिन एकदम से अगर बीस रुपये बाईस रुपये बढ़ जाता तो ये पब्लिक सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है इसके अलावा इनको पार्ट्स में लोन दिया जाएगा इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई कंट्री अगर कोई कंपनी अगर पंद्रह करोड़ कमा रही तो भाई एक परसेंट टैक्स इसके अलावा बीस करोड़ कमा रही है तो दो परसेंट पच्चीस करोड़ कमा रही तो तीन परसेंट और तीस करोड़ कमा रही तो भाई उसके ऊपर चार परसेंट टैक्स लगेगा इसके बाद पेज नंबर फोर्टीन बिजनेस एंड इकनॉमी वाला जो पेज है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जैसे रेशन में आर की जो मोनिट्री पॉलिसी कमेटी है उसने अपने जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज़ किया था उसी को लेकर यहाँ पर आ, आर के जो डिप्टी गवर्नर हैं पात्रा साहब वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर रहे हैं कि आ, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था देखो आर के लिए दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं एक होती है हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है एक तरीके से लो या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके ठीक ओपोजिट हार्ड का मतलब होता है जब रेपो रेट या इस तरह की चीज़ें इंक्रीज कर देती रेपो रेट का मतलब है कि जब आर को लगता है कि भाई लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में है उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा देगा रेपो रेट में बेसिकली जो कमर्शियल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एस है पी है बैंक ऑफ बड़ौदा ये जब सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो वो महंगा हो जाएगा तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि जो बैंक है वो कम लोन लेंगे और कम लोन खुद लेंगे तो भाई दूसरे जो लोग उनको लोन कैसे देंगे लिक्विडिटी कंट्रोल करने का तरीका बट ये परमानेंट सोल्यूशन एक पार्ट है दूसरी तरफ आर रेपो रेट को कम करता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को फोर्स फोकस कर रहा है जैसे कोविड 19 में आर ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई इंक्रीज नहीं किया था राइट इसके अलावा इन्फ्लेशन को लेकर बोला गया कि सप्लाई साइड एक तरीके से प्रॉब्लम है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप क्रिएट होता है वही कहीं ना कहीं रीज़न होता है इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के पीछे इसके अलावा इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो uh, अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंच रही है जैसे अगर आप डॉलर में कंपेयर करेंगे इंडियन करेंसी को तो 71 डॉलर जो इज इक्वल टू तो 78.32 और अपने आप में कह सकते हैं कि uh, खराब इंडिकेशन करता है इस तरह की चीज़ें इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर बताया गया कि ये भी अगर आप जी के बारे में बात करेंगे जी डी कंपेयर में 1.2 परसेंट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट डायरेक्टली रिलेट करता है ट्रेड uh, डेफिसिट से हालांकि करंट अकाउंट डेफिसिट एक थोड़ी वाइडर टर्म होती है जिसमें प्रॉपर uh, दु, दु, एनालिसिस होता है ट्रेड डेफिसिट में दो कंट्रीज़ के बीच में ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड इंडिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है डेफिसिट है तो इसका मतलब लो, हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और अगर सरप्लस होता तो ये Uh, हम लोग एक तरीके से एक्सपोर्ट uh, ज़्यादा कर रहे हैं और डेफिशट है तो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ना इसमें कुछ मैं चीज़ों के बारे में मैंसन किया गया कि भाई एफ हमारा एक तरीके से एज़ कम्पेयर टू दो हज़ार कम रहा है इसके अलावा फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी जिन्होंने एफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो आउटफ्लो कर रहे हैं राइट इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखेंगे जैसे कॉमोडिटिव प्राइसेस जैसे क्रूड ऑयल है कोयला या फर्टिलाइज़र इनकी कीमत बढ़ी इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की भी कीमत बढ़ी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे इसमें तो आई ट्रिपल आई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने कहा कि भाई डिजिटल जितने भी वेरिएबल एक तरीके से इक्विपमेंट होते हैं या गज़ेट्स होते हैं ये एक्सपोज कर सकते हैं यूज़र्स को साइबर अटैक्स के लिए साइबर अटैक क्या है मतलब आप इस तरह के डिजिटल वॉच या डिजिटल हेल्थ के लिए इक्विपमेंट कोई पहनते हैं तो ये कहीं कही ना कहीं आपको यूनिक थ्रेट क्रिएट कर सकता है आपकी प्राइवेसी को लेकर आपके डेटा को लेकर और ये कहीं कही ना कहीं साइबर अटैक को लेकर एक तरीके से इंडिकेट करता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है क्योंकि पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जैसे बर्थडे ई एड्रेस और लॉग इन को ये थर्प uh, कर सकता है और इंडिया में क्यों वार्निंग दी गई क्योंकि भारत के अंदर वेरेबल टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़े स्केल पर इंक्रीज हुई है डबल डिजिट ग्रोथ जो है पहले क्वार्टर में 2022 में देखने को मिलती है जिसमें 13.9 मिलियन डिवाइसेस को शिपमेंट करी गई तो आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही जितनी भी इम्पोर्टेंट और क्रिशियल इन्फॉर्मेशन थी हमने डिस्कशन करी और जो तीन चार सवाल पूछे गए हैं आप सभी उसके अंदर पार्टिसिपेशन करें और उसके आंसर करें थैंक यू ऑल जय हिंद